सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली रेडमी के नोट 7 प्रो में MIUI 12 का अपडेट आ चुका है। दोस्तों ये अपडेट कितने MB का है और इस अपडेट के बाद हमारे फ़ोन में क्या नया देखने को मिलता है, ये सब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको आसानी समझ में आ सके कि आपको ये अपडेट अपने फ़ोन में अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और इस अपडेट के बाद हमारे फ़ोन में क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि रेडमी के नोट 7 प्रो में MIUI 12 का अपडेट कब आएगा। कुछ टाइम पहले रेडमी नोट 7 प्रो में अपडेट आया था जो कि दोस्तों एंड ऑफ 10 का था, लेकिन कुछ लोगों को लगा था कि ये MIUI 12 का अपडेट है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एंड ऑफ 10 का अपडेट था। लेकिन दोस्तों अभी फाइनली MIUI 12 का अपडेट आ चुका है रेडमी नोट 7 प्रो में। दोस्तों इस अपडेट के बाद हमारे फ़ोन में दोस्तों काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। इस अपडेट के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। आपका जो नोटिफिकेशन बार है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा और दोस्तों काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिलेंगी आपके रेडमी के नोट 7 प्रो में। दोस्तों अगर आपके पास रेडमी नोट 7 प्रो है तो आप इसे फटाफट से अपडेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि दोस्तों कुछ टाइम पहले वीवो ने अपने फ़ोन में एक अपडेट दिया था जो कि दोस्तों 3 GB से ऊपर का था, लेकिन अभी इस अपडेट को आप अपने फ़ोन में अपडेट करोगे रेडमी नोट 7 प्रो में तो ये अपडेट सिर्फ 780 MB तक का है, जो दोस्तों आप इसे ईजिली अपडेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो डाटा होता है मोबाइल में वो 2 GB तक का होता है और ये अपडेट 1 GB से कम का है, तो आप इसे आसानी से अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हो। इस अपडेट के बाद आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई भी लैग नहीं होगा और दोस्तों आपकी जो बैटरी है वो भी पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छी चलेगी, तो आप इसे बिना टेंशन के अपडेट कर सकते हो और अपने फ़ोन को एक नया लुक दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में इतने अच्छे अच्छे एनिमेशन आएंगे, इतने अच्छे अच्छे फीचर आने वाले हैं कि दोस्तों आपका फ़ोन एकदम नया हो जाएगा, पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि ये अपडेट कितने MB का है और इस अपडेट को आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जय हिंद, धन्यवाद।